थ्री फिटिंग के पाइप उन लोगों ने दीवार में कटिंग करके डाले हुए थे। तो अब फिलहाल यहाँ पर फाइनली प्लास्टर हो चुका है, तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के ये बोर्ड है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इन्हें साफ़ करना है इन बोर्ड को, और जो छोटे छोटे जंक्शन हमने लगाए थे डिब्बी, तो उनको यहाँ पर साफ करना पड़ेगा। और दूसरा, कंसील्ड फैन बॉक्स में जो मिट्टी भरी थी हम लोगों ने लिंटर के टाइम में, उनको यहाँ पर क्लीन करना पड़ेगा वायरिंग से पहले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर पाइप दिखाई दे रहे हैं। ये पाइप जो है हमें यहाँ से काटना पड़ेगा और यहाँ से भी काटना पड़ेगा, बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा। जितना मसाला यहाँ पर लगा हुआ है वो सब निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ बोर्ड जो है हमने क्लीन किए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल क्लीन है बोर्ड। इस तरीके से देखिए, हमने इसका पाइप जो है यहाँ पर जो ऊपर से आया हुआ है, ये वाला पाइप, इसको हमने काट दिया है। तो ऐसे ही हमने जितने बोर्ड हैं उन सभी को साफ कर लिया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है बोर्ड, और ये वाला बोर्ड अभी क्लीन करने को बचा हुआ है। देख सकते हैं आप, पाइप आ रखा है इसमें। अब दोस्तों मैं आपको ऊपर की साइड में दिखाता हूँ, जो कंसील्ड है और फैन बॉक्स हम लोगों ने यहाँ पर डाले हुए थे। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी मिट्टी जो है हमने निकाल चुके हैं, और अब यहाँ पर देखिए ये सारी क्लीनिंग हो चुकी है इसकी, और इसकी पानी से भी हम एक बार धुलाई कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने मिट्टी भरी है, कई लोग कागज़ भी भरते हैं, तो कागज़ भर के भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने मिट्टी भरी है तो मिट्टी निकालने के बाद, खाली करने के बाद, फैन बॉक्स और कंसील्ड को धो लीजिए पाइप से, मोटर के पाइप से, ताकि इसकी क्लीनिंग अच्छे से हो जाए और इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पर आपको एक डिब्बी दिखाई दे रही होगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको डिब्बी दिखाई दे रही है। अभी इस डिब्बी की क्लीनिंग करना बाकी है। मैं क्लीन करी हुई डिब्बी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की आपको दिखाई देगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्लीन करी हुई डिब्बी है वो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लीनिंग करी हुई डिब्बी कुछ इस तरह की दिखाई देगी। और अभी जो है, और दूसरे बोर्ड जो है साफ किए जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से साफ किए जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है एक छेनी हथौड़े की, और यहाँ पर जो मसाला लगा हुआ है, जो यहाँ पर मिट्टी जब प्लास्टर करते हैं तो मसाला रह जाता है, तो वो मसाला यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से छुटाया जा रहा है छेनी और हथौड़े की मदद से। तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पर मसाले को छुटाया जाता है, जो मसाला इसमें लग गया है, और बड़े आराम से जो है क्लीनिंग हो जाती है। तो ऐसे ही ये देखिए, ऊपर वाला बोर्ड यहाँ पर क्लीन हो चुका है, और यहाँ साइड वाला बोर्ड भी, यहाँ पर जो टीवी का बोर्ड है ये भी यहाँ पर क्लीन हो चुका है। तो इस तरह की क्लीनिंग आपको सबसे पहले कर लेनी है वायरिंग करते समय। तो इस तरह की डिब्बियाँ आपको दिखाई देंगी जब क्लीन हो जाएंगी, तो उसके बाद आप लोगों को वायरिंग करनी है। तो